इंदिरा मैराथन में शामिल होने पर प्रोत्साहित नहीं किए जाने की शिकायत सीएम योगी से करने के लिए प्रयागराज की काजल पैदल ही लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। 10 साल की उम्र वाली काजल एक धावक है। पिछले साल नवंबर में हुई इंदिरा मैराथन में काजल ने हिस्सा लिया था। करीब 42 किलोमीटर लंबी इंदिरा मैराथन को काजल ने अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरा किया। ऐसे में काजल को उम्मीद थी कि प्रोत्साहन के तौर पर अवार्ड जरूर मिलेगा, लेकिन अवार्ड मिला नहीं। लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन की तरफ से पहले तो उसे मैराथन में शामिल होने की इजाजत ही नहीं मिली, लेकिन बावजूद जब वो मैराथन में शामिल हुई तो उसे पूरा किया तो उसे कोई सम्मान भी नहीं मिला है। अब शिकायत करने के लिए काजल लखनऊ पैदल ही रवाना हुई है। अवार्ड नहीं मिलने से काजल है नाराज। 10 साल की उम्र है, सीएम से मिलने के लिए अब काजल पैदल ही मार्च कर रही है प्रयागराज से लखनऊ के लिए। मैं 42 किलोमीटर दौड़ी थी, आप मुझको सम्मानित नहीं किया गया था, इसलिए मैं आज जा रही हूँ सीएम आवास लखनऊ इलाहाबाद। यहाँ सुभाष चंद्र चौराहा से इलाहाबाद वहाँ लखनऊ सीएम आवास। एक बार और दौड़ी हूँ सुभाष चंद्र चौराहा से दिल्ली इंडिया गेट, वहाँ पे भी मुझको सम्मानित नहीं किया गया था। बार ये इंदिरा मैराथन 42 किलोमीटर दौड़ी थी और 14वां रैंक आया था, इसको कोई सम्मानित नहीं किया था, न तो खेल मंत्री और न खेल सचिव। और ये सीधा टारगेट रखी है प्रयागराज टू लखनऊ सीएम आवास मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए, जो कि वहाँ पे अपनी सारी बातें बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आपको बता दें काजल ने हिस्सा लिया था, करीब 42 किलोमीटर लंबी इंदिरा मैराथन को काजल ने अपने नन्हे कदमों से पूरा किया था। लेकिन काजल को उम्मीद थी कि सरकार उसे अवार्ड देगी, प्रशासन उसकी मदद करेगा, लेकिन प्रशासन ने कोई अवार्ड नहीं दिया। इससे नाराज है काजल और अब उसने प्रयागराज से सीधे लखनऊ जाने का फैसला लिया है, वो भी वो पैदल चलकर दौड़ कर जाएगी, ये काजल कह रहे हैं। काजल कुमारी ने इंदिरा मैराथन में हिस्सा लिया था। प्रशासन की तरफ से अवार्ड नहीं मिलने से नाराज है, जिला प्रशासन से नाराज है कि 42 किलोमीटर एक चलिए नन्नी बच्ची काजल हमारे साथ है जो प्रयागराज से अब लखनऊ जाने वाली है। काजल आप जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको सम्मान नहीं मिला, तो क्या आपने प्रशासन से इस बारे में बात की, लिखित में कोई शिकायत दी? नहीं नहीं, तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आपने यहाँ शिकायत क्यों नहीं की प्रयागराज में? लखनऊ सीएम आवास जाकर के कहना है। तो आप क्या इसी तरह पैदल दौड़ते हुए आप लखनऊ तक पहुंचेंगी? काजल क्या हुआ, क्या था दरअसल, आप नाराज क्यों हैं? जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको जानकारी हो कि काजल इस वजह से नाराज है। दरअसल हुआ क्या था आपके साथ? मैं अल्ट्रा मैराथन में 42 किलोमीटर दौड़ी थी, वहाँ मुझको सम्मानित नहीं किया गया था, और एक बार वहाँ सुभाष चंद्र चौराहा से दिल्ली इंडिया गेट गई थी, 23 जुलाई को निकली थी, 8 अगस्त को पहुंची थी, वहाँ भी नहीं मुझको सम्मानित किया गया था। तो अब आपने यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ के जो खेल विभाग है या प्रशासन के अधिकारी हैं, आपने उनसे मुलाकात की इस बारे में? अभी नहीं। तो आपने कोई लिखित में शिकायत भी नहीं दी? कोच दिए होंगे शायद, अभी हम नहीं दिए हैं। अच्छा, लेकिन अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? प्रयागराज से अब कब निकल रही हैं आप लखनऊ के लिए? प्रयागराज से निकल चुकी हूँ, अब लखनऊ जाने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, तो कब तक पहुँचने का लक्ष्य है आपका? 17 तारीख को। क्योंकि ये तो बहुत लंबी दूरी है, आप कैसे तय कर पाएंगी? गर्मी बहुत पड़ी हुई है काजल, सुबह और शाम दौड़ना है, दौड़ करके जा रही हूँ जी। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आप बेवजह गर्मी में परेशान है? अभी छोटी बच्ची हैं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती, पहले यहाँ शिकायत करती, अगर शिकायत के बाद आपकी कोई नहीं सुनता तो हम हैं आपकी आवाज उठाने के लिए। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, आपकी आवाज अब भी उठा रहा है, आप हमारे पास आई हैं, अब हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, तो यहाँ प्रशासन जागता, प्रयागराज का प्रशासन जागता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी तो नहीं जी।
काजल, मुख्यमंत्री योगी तो बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं और खासकर छोटी छोटी बच्चियों को आपने देखा भी होगा तस्वीरें, वो तो बहुत ही मानते हैं। अगर उन तक शिकायत आप पहुंचा दें और हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज, आप अभी गर्मी में इस तरह परेशान ना हो और इसकी शिकायत प्रशासन को दें। वहाँ पे रैली निकाल दे कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, तो हमको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? कहिए कहिए अपनी बात कहिए काजल, हम सुन रहे हैं। हमको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? हम दौड़ रहे हैं तब। फिर परिवार क्या कह रहा है काजल, आपका परिवार क्या कह रहा है? हमारा परिवार भी कह रहा है कि दौड़ो काजल। नहीं तो प्रशासन, आपके परिवार या आपके पिताजी या माताजी या आपके जो कोच हैं, उन्होंने किसी ने जाकर शिकायत नहीं की इस मसले के कि देखिए काजल ने इतना बेहतर काम किया है? क्योंकि 10 साल की उम्र में कोई नहीं दौड़ सकता है, मैं भी नहीं दौड़ पाऊंगा 42 किलोमीटर जितना आप दौड़ लिए, मैराथन आपने हिस्सा लिया है, बहुत सारे और भी जवान हैं वो नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन आपने 10 साल की उम्र में इतना काम कर दिया, तो आपने इस बारे में शिकायत नहीं की या आपके परिवार ने कोच ने? अभी नहीं। तो फिर आपने ठान लिया काजल आप जाएंगी? हाँ। अगर वहां आपको मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि सीएम से मिलने के लिए तो वक्त की जरूरत है, टाइम लेना पड़ता है, फिर क्या करेंगे काजल आप वहां जाकर? मिलना ही पड़ेगा सीएम को, मैं अपना वक्त निकाल करके जाऊंगी वहां पे लखनऊ, तो उनको भी वक्त निकालना पड़ेगा। काजल बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, क्योंकि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो काजल अगर हम बात करें, आपका लक्ष्य है क्या भविष्य में? क्योंकि देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, तो तब काजल जैसी अगर एक लड़की, नन्ही लड़की प्रयागराज से लखनऊ जाती है तो सवाल उठना लाजमी है। तो आपका लक्ष्य है क्या भविष्य के लिए? मेडल लाना जी। तो आपने अपने पापा से बात की इस मसले पर कि पापा जी आपने शिकायत की प्रशासन में? अभी नहीं, कोच से बात करें तो वो कहें कि अरे भेजेंगे लेटर, लेटर साथ भेजेंगे। अभी आपके साथ आपके कोच या पिताजी हैं? कोच हैं। कोच से बात कराइए हमारी। हाँ कोच से बात करा रही हैं काजल, हम उनके कोच से बात करेंगे। आप भी काजल बैठ जाइए साथ में, कोच के साथ बैठ जाइए। सर आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूंगा। जी सर, मेरा नाम रजनीकांत है। रजनीकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनीकांत जी आपने जिस तरह काजल ने अब ठाना है कि वो लखनऊ जाएंगी प्रयागराज से दौड़कर, गर्मी बहुत पड़ रही है क्योंकि उनको सम्मान नहीं दिया गया, इस बारे में प्रयागराज में यहाँ के प्रशासन को जानकारी दी गई क्योंकि इन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया, क्यों सम्मान नहीं दिया गया, किसी अधिकारी से आप लोगों ने बात की? जी सर, इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश खेल सचिव से बात की। जो गुड़िया सिंह है 65 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए परमिशन मिल चुका था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। इस मीडिया के लिए अपने खेल सचिव से परमिशन मांगने के लिए गए थे लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं आपने कहा खेल मंत्री को इसके बारे में जानकारी दी आपने? ऐसा है सर, ये इंदिरा मैराथन में बिटिया जब दौड़ी थी वहाँ से खेल मंत्री उपेंद्रनाथ तिवारी आए थे और इस बिटिया मुझे पता चला कि बिटिया 42 किलोमीटर दौड़ चुकी है, उसको मंच पे न जाने के लिए 3 SI 5 महिला कांस्टेबल लगा दिए थे, ये मंच पे न पहुंच पाए। हाँ सर। तो किसने 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 ऐसा किया? उपेंद्रनाथ तिवारी और खेल सचिव के श्रीवास्तव। अब इसके बारे में आपने कोई लिखित शिकायत दी है कि इसके साथ ऐसा हो रहा है काजल के साथ? ये इसीलिए तो दिया है, प्रयागराज में मुख्यमंत्री आ जाएंगे। चलिए आपकी सुन नहीं रहे लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको भरोसा देता है, काजल की हम आवाज उठाएंगे और काजल की आवाज जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपका भी और रजनीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का